हाथरस कांड के बाद देश में सियासत भी तेज है, साजिश की थ्योरी आ रही है, लेकिन इन सब के बीच राजस्थान से आने वाली खबरें भी परेशान कर रही हैं। एक बार फिर से रेप का मामला सामने आया है, गैंग रेप का मामला है, नाबालिग से। रिपोर्ट देखिए। राजस्थान में रेप का सिलसिला नहीं रुक रहा है। गहलोत राज में अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हैं कि वो बेटियों को दरिंदगी का शिकार बना रहे हैं। अब राजस्थान के बाड़मेर में एक खेत में काम करने वाली बच्ची को अगवा करके रेप किया गया। दो अज्ञात लोग मोटरसाइकिल पर आए और खेत में काम कर रही लड़की को उठाकर ले गए। एक दरिंदे ने लड़की के साथ रेप किया, जबकि दूसरे ने उसकी अश्लील फोटो कैमरे में कैद कर ली। पीड़िता का जिले के मेडिकल कॉलेज में इलाज चल रहा है। मामले में FIR दर्ज कर ली गई है। पुलिस ने जब तलाश की तो गांव ही के स्कूल के बाहर वो अचेत अवस्था में मिली। उसको तुरंत हमने बेहतर इलाज के लिए बाड़मेर के राजकीय चिकित्सालय में एडमिट कराया। पोस्ट में आने पर उसने बयान दिए कि दो लड़के जो है वो उसको ले गए थे और उसके बाद एक ने उसके साथ बलात्कार किया और एक ने उस बात का वीडियो बनाया। अभी चूंकि वो उनके नाम नहीं जानती है तो हमने एक प्रकरण अज्ञात दो व्यक्तियों के खिलाफ दर्ज किया है। हम आपको बता दें कि देश में राजस्थान जैसे रेप कैपिटल बना हुआ है। NCRB के आंकड़ों के मुताबिक पिछले साल राजस्थान में सबसे ज्यादा रेप हुए हैं। दिनेश बोहरा, बाड़मेर, आज तक।